दुर्ग पुलिस ने नकली ईडी अफसरों द्वारा 2 करोड़ लूटे जाने के मामले में 9 और आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर उनके पास से करोड़ों नकद व जेवरात बरामद किए। दुर्ग पुलिस ने 27 जून को दुर्ग के पार्क कॉम्प्लेक्स में ईडी बनकर लूट व अपहरण करने के मामले में खुलासा करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के ये गिरोह पहले लोगों को अच्छा मुनाफा कमाने के लिए रकम इन्वेस्ट करने कहते थे, फिर अगर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाते तो नकली ईडी बनकर जेल भेजने की धमकी देते और रकम लेकर छूमंतर हो जाते थे। दरअसल ये पूरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां सिकोला भाटा निवासी नवीन गुप्ता नकली ईडी के झांसे में आ गया और लूट व धोखाधड़ी का शिकार हो गया। दुर्ग पुलिस इस मामले के 9 आरोपियों को मुंबई व नासिक से गिरफ्तार कर उनके निशानदेही से करीब 1,55,000 नगद जेवरात व नकली परिचय पत्र बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों को दुर्ग लाकर आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। सत्ताईस जून को हमको सूचना मिली थी कि ग्रीन चौक स्थित व्यापारी अखिलेश गुप्ता के ऑफिस में ईडी के कुछ अधिकारी भी ठंडी हो गई है और वो अपने साथ ले करके गए, साथ साथ व्यापारी को भी ले गए हैं। सूचना मिलने पर हमारी टीम को डाउट हुआ कि इस तरीके की जब भी कार्रवाई होती है तो काफ़ी विस्तृत कार्रवाई होती है, तो हम लोगों ने पता साझा चालू की। इस बीच पता चला कि व्यापारी को राजनांदगांव में ही छोड़ दिया गया है। उन्होंने फिर संपर्क किया पुलिस से और फिर पुलिस को पूरी कहानी बताई तो ये पता चला कि एक व्यक्ति गिरीश वालेचा नाम का है, जो कि इनसे 2-3 हफ्ते पहले मिला था और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर 2 करोड़ रुपये अरेंज करने की बात उसने की। इन्होंने जब 2 करोड़ रुपये अरेंज करके उसको अपने पास बुलाया तो उसने अपने जो साथी हैं उनसे संपर्क करके उनको भी बुला लिया। ये साथी ही ईडी के अधिकारी बन करके आए, फर्जी आई कार्ड इनके पास में थे तो फर्जी आई कार्ड दिखा करके, थोड़ा इनको डर दिखा करके ये लोग पैसा अपने साथ लेकर के और इनको साथ लेकर के चले गए। सूचना मिलते ही हम लोगों ने इनके बारे में पता साझा चालू की, गिरीश वालेचा के संबंध में अपनी जानकारी निकाली तो पता चला कि मुंबई में इसी तरह के एक केस में वो ऑलरेडी जेल जा चुका है। मुंबई पुलिस से संपर्क किया, हमारी टीमें फील्ड पे गई और अलग अलग स्थानों के दबिश देकर लगभग 1,26,00,000 की रकम जो है वो बरामद की है हम लोगों ने और 9 आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है, जिनको ट्रांजिट रिमांड में ला करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ पूछताछ में इन्होंने 5 अलग अलग जगह और इस तरह की घटनाएं करना बताया है, जिसमें बेंगलोर और मुंबई के अलग अलग 5 लोगों को इन्होंने निशाना बनाया। मैंने इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारी कार्रवाई की तारीफ की है और मैं इनाम की अनुशंसा वरिष्ठ अधिकारियों से भी करूँगा और अपनी तरफ से। न्यू वीडियोज की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।